हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज का टॉपिक है एथिक्स कमिटी इन क्लिनिकल रिसर्च। तो क्लिनिकल रिसर्च में ये एथिक्स कमिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसा आपको पता है क्लिनिकल रिसर्च में ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व होता है। तो इन ह्यूमंस पे, जिसको हम स्टडी पार्टिसिपेंट कहते हैं, तो क्या इन पर कोई गलत एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे हैं या फिर जैसा बताया गया उससे कोई अलग एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, किसी भी क्लिनिकल ट्रायल की प्रोग्रेस कैसी चल रही है और वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इनका सारा हिसाब रखती है एक एथिक्स कमेटी। तो चलिए आज इस लेक्चर में देखते हैं कि एथिक्स कमेटी क्लिनिकल रिसर्च में क्या होती है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो व्हाट इज एथिक्स कमेटी? तो CDSCO की माने तो एथिक्स कमेटी इज अ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ मेडिकल, साइंटिफिक, नॉन मेडिकल, नॉन साइंटिफिक मेंबर्स हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट सेफ्टी वेलबींग ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन द क्लिनिकल ट्रायल। यानी क्लिनिकल ट्रायल में जो भी पेशेंट्स हैं, जिनको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं, तो उनकी कोई राइट्स तो नहीं वायलेट कर रहा, वो ट्रायल में सेफ तो है, और ओवरऑल उनकी वेलबींग जो होती है तो उनका ख्याल एथिक्स कमेटी रखती है। एथिक्स कमेटी हमेशा ट्रायल में जो भाग लेते हैं, जिनको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं, उनके एंगल से सोचती है कि ट्रायल में जो मेडिकेशन दे रहे हैं, जो कि वैक्सीन बना रहे हैं, तो उसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, उन पार्टिसिपेंट की राइट वायलेट हुई या नहीं, इन सब का एक अच्छे से साइंटिफिक स्टडी करते हैं और उसी के बाद उस ट्रायल को अप्रूवल मिलती है। तो आप ऐसे मत सोचिए कि क्लिनिकल ट्रायल को एक बार अप्रूवल मिल गया तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, उन पर कॉन्स्टेंट विजिल एथिक्स कमेटी का होता है और एथिक्स कमेटी बारीकी से उन पे ध्यान देती है क्लिनिकल ट्रायल में, और फिर ही जाके उनको अप्रूवल मिलता है और ट्रायल रेगुलरली चालू होती है। तो चलिए देखते हैं इस एथिक्स कमेटी में और क्या है। तो अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एथिक्स कमेटी, यानी कि एथिक्स कमेटी में कौन कौन से टाइप के लोग होते हैं जो कि एक सभी डायरेक्शन से पेशेंट्स का ख्याल रख सके और एक अप्रोप्रिएट डिसीजन दे सके। तो सबसे पहले एथिक्स कमेटी का चेयरपर्सन होता है, और ये चेयरपर्सन जो होता है वो उसी इंस्टीट्यूट का नहीं, इंस्टीट्यूट के बाहर के होता है, जिससे न्यूट्रलिटी बनी रहे। दूसरा होता है बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट। ये बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट होता है जो कि एक पर्टिकुलर मेडिकेशन और सारी जो कि फार्माकोलॉजिकल फॉर्मुलेशन है उसका साइंटिफिक ढंग से अभ्यास करके बता सके कि ये मेडिकेशन सेफ है या नहीं और इसको हमें अप्रूवल देना है या नहीं। उसके बाद आते हैं क्लिनिशियंस। क्लिनिशियंस होते हैं ये एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं। ये डॉक्टर्स दो या तीन भी हो सकते हैं एथिक्स कमेटी में, और ये उनके एंगल से बताते हैं, यानी कि इस क्लिनिकल ट्रायल की फिजिबिलिटी कितनी है, ये ट्रायल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या क्या एडिशन आ सकती है, तो इसके बारे में क्लिनिशियंस हमें बताते हैं। दूसरा मेंबर अगला होता है सोशल वर्कर का। तो ये जो सोशल वर्कर होते हैं ये एक सोसाइटी के एंगल से किसी ट्रायल को इवैल्यूएट करते हैं, जैसे कि सोसाइटी पे इसका कौन कौन सा इफेक्ट होगा और सोसाइटी को इसके बेनिफिट होगा या नहीं। फिर बाद में आता है लीगल पर्सन। लीगल पर्सन एक लॉयर होता है जो कि एथिक्स कमिटी को बताता है कि लीगल पर्सपेक्टिव से ये ट्रायल का कितना फ़ायदा है या क्या क्या लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है इस ट्रायल में, तो वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉयर हमें बताता है। नेक्स्ट आता है ले पर्सन, और ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ले पर्सन एक आम आदमी होता है जिसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं होता क्लिनिकल ट्रायल का, लेकिन ये क्लिनिकल ट्रायल को एक आम आदमी के नज़रिए से देखता है और आम आदमी के जो जो कंसर्न हो सकते हैं उसके बारे में इस कमेटी को बताता है कि मुझे इस ट्रायल में ये दिक्कत दिख रही है, और उसका जो कहना है, उसकी जो राय है, वो एथिक्स कमेटी सुनती है और इस पर चर्चा होकर फिर ही आगे बढ़ता है। लास्ट मेंबर होता है जो इसी मेंबर सेक्रेटरी होता है, जो इन मीटिंग में जो जो डिस्कशन होते हैं वो उनकी नोट लेता है, और इस मीटिंग पे क्या कंक्लूजन पहुंचा, इस ट्रायल को हमें मान्यता देनी है, नहीं देनी है, रिजेक्ट करना है, तो इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन मेंबर सेक्रेटरी करता है और ये कोऑर्डिनेट करता है। तो ये अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं एथिक्स कमेटी में, और इन लोगों की जो मिली जुली राय होती है उसी से हम ट्रायल को अप्रूवल या फिर रिजेक्शन करते हैं। तो एथिक्स कमेटी एक डायमेंशनल कमेटी होती है जिसमें अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो कि एक ट्रायल का सारी एंगल से सोचकर और विचार कर तभी किसी ट्रायल को अप्रूवल देते हैं।
तो नेक्स्ट पार्ट आता है फंक्शन ऑफ द एथिक्स कमिटी, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड भी कहते हैं कभी कभी। तो एथिक्स कमिटी के क्या क्या काम होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एथिक्स कमिटी का काम जो होता है वो प्रोटोकॉल को रिव्यू और अप्रूव करना होता है। जो भी ट्रायल आती है तो उसका एक सेट प्रोटोकॉल होता है जिसको अभ्यास कर एथिक्स कमिटी डिसाइड करती है कि इसको अलाउ करना है या नहीं करना है। बाद में एथिक्स कमिटी उस जो प्रोटोकॉल है या ट्रायल है उसमें जो कि इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं या फिर उनके पास कौन कौन सी फैसिलिटी है, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करने वाले हैं और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है क्या वो सही ढंग से प्रोवाइड की है, और उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है और इन्फॉर्म कंसेंट होता है, तो इसके बारे में एथिक्स कमिटी पूरा अभ्यास करती है और फिर डिसाइड करती है कि सब्जेक्ट की राइट, सेफ्टी, वेलबींग और कॉन्फिडेंशियलिटी बराबर है या नहीं और इस ट्रायल को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद का एथिक्स कमिटी का फंक्शन होता है कि कोई भी सीरियस एडवर्स इवेंट होता है तो उस मामले में एथिक्स कमिटी डिसाइड करती है कि क्या ये मेडिकेशन के वजह से हुआ है या नहीं और इसका आगे हमें कैसे इवैल्यूएट करना है। तो वो भी एथिक्स कमिटी का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एसए के वक्त। नेक्स्ट होता है कि टाइमली रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो किसी भी ट्रायल में निरंतर मतलब एवरी क्वार्टर ट्रायल का प्रोग्रेस चेक किया जाता है एथिक्स कमिटी का और उस हिसाब से डायरेक्टली अपडेट्स भेजे जाते हैं CDSCO को जो कि DCGI ऑफिस में है और बताया जाता है कि इस ट्रायल का कैसा परफॉर्मेंस है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं और कहीं कोई ट्रायल की कंप्लायंस या सेफ्टी इशू है तो उसके बारे में एथिक्स कमिटी गवर्नमेंट को, रेगुलेटरी बॉडी को बताती रहती है और इवेल्युएट करती है कि ये ट्रायल कितनी सेफ है और इस ट्रायल में प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि एथिक्स कमिटी में जो 2019 में चेंजेस हुए हैं, जो न्यू क्लिनिकल ट्रायल रूल्स है, तो इसमें एथिक्स कमिटी में स्पेसिफिकली क्या क्या चेंज हुए। तो अभी आपको CT फॉर्म 01 जो होता है तो वहाँ पे इसी के लिए अप्रूवल करना होगा और उसका जो अप्रूवल मिल जाएगा उसको फॉर्म हम CT 02 अभी कहेंगे। नेक्स्ट होता है जो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस किया गया है और एक बहुत अच्छा चेंज है कि अभी एक वुमन मेंबर कंपलसरी हो जाएगा, जो 7 इंपॉर्टेंट मेंबर है इसी के, तो उसमें एक वुमन मेंबर का रहना ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट होगा कम से कम 50% जो आपके इसी के मेंबर्स हैं तो वो एक्सटर्नल मेंबर हो, जिनके कारण जो आपका बायस है तो वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई चेंज होता है एथिक्स कमिटी में तो 30 दिनों के अंदर आपको सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। उसके बाद में एथिक्स कमिटी के जो भी सेमिनार्स और ट्रेनिंग होते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन आपको मेंबर्स को लेना होगा और ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। अगर कोई भी मेंबर उनके ड्यूटी को सीरियसली नहीं लेता और ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करता तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का भी प्रावधान क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 में किया गया है। और ये नेक्स्ट चेंजेस है कि वैलिडिटी, जो एथिक्स कमिटी का रजिस्ट्रेशन होता था तो 3 साल के लिए होता था, जो बढ़ाकर 5 साल के लिए कर दिया है, जहाँ से हमें डॉक्यूमेंटेशन और वैलिडिटी, जो डॉक्यूमेंटेशन रिड्यूस हुआ है और वैलिडिटी के लिए ज़्यादा पीरियड दिया गया है। नेक्स्ट होता है कि EC का जो भी अप्रूवल देती है क्लिनिकल ट्रायल में तो 15 दिनों के अंदर अंदर CLO को बताना होगा कि हमने इन इन ट्रायल को अप्रूवल दिया है, जिसके कारण ऐसा होगा कि उनको भी रियल टाइम पता चलेगा कि कौन कौन सी ट्रायल को इस EC ने रिव्यू किया है। नेक्स्ट होता है कि अगर साइट, बहुत सारी साइट के पास एथिक्स कमिटी नहीं होती खुद की, तो अगर उनके पास खुद की एथिक्स कमिटी नहीं है तो इंडिपेंडेंट एथिक्स कमिटी के पास वो जा सकते हैं, जो कि विद इन 50 किलोमीटर्स के रेडियस में होनी चाहिए और वहाँ से अप्रूवल ले सकते हैं और फिर उस EC की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन ट्रायल को डे टू डे अपडेट, मतलब उनके साइड से अपडेट्स लेना और वो इंडिपेंडेंट एथिक्स कमिटी रिव्यू करेगी सारे उस ट्रायल के प्रोटोकॉल्स या फिर कोई चेंजेस होते हैं। तो ये सारे मेजर क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के चेंजेस थे। तो फाइनली हम देखते हैं कि ये एथिक्स कमिटी का क्लिनिकल ट्रायल में इतना इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है, क्यों एथिक्स कमिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए क्लिनिकल ट्रायल में कैसा होता है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनकी तरफ से कोई ऐसा होना चाहिए जो उनका भी ख्याल रखे, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ये मेडिकेशन इफ़ेक्टिव है और उन नंबर के हिसाब से ही वो मेडिकेशन अच्छा है। क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनके राइट्स और सेफ्टी को रिस्क में डालकर कोई मेडिकेशन का टेस्ट हुआ है,
तो एथिक्स कमेटी क्या करती है कि एथिक्स कमेटी जो सारे स्टडी प्रोटोकॉल है उनको ध्यान से देखती है और फिर ही उन्हें अप्रूवल देती है। जैसे कि इन्फॉर्म कंसेंट के डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर अलग अलग कोई डॉक्यूमेंटेशन हो गए, तो वहाँ पे ट्रायल कैसे चलेगी तो उनका अभ्यास किया जाता है और उसी बाद उनको अप्रूवल दिया जाता है और फिर ट्रायल स्टार्ट होती है। उसके बाद में एथिक्स कमेटी का जो बेसिक रूल है और जो बेसिक फंक्शन है वो है राइट, सेफ्टी और वेलबींग। तो एथिक्स कमेटी सब्जेक्ट्स की राइट्स के बारे में सोचती है कि उनकी कोई राइट्स है वो हैम्पर तो नहीं हो रही, कोई अनसेफ चीज़ें तो नहीं चल रही और उनके वेलबींग पे इन ट्रायल का कोई असर तो नहीं हो रहा। तो इसका सेफगार्ड एथिक्स कमेटी खुद करती है और एथिक्स कमेटी डिसाइड करती है कि इस ट्रायल में कौन कौन से रिस्क और बेनिफिट्स हैं और क्या जो रिस्क है इस ट्रायल के, जो साइड इफेक्ट जिन्हें हम जनरली कहते हैं, तो वो जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, इस रिस्क में ट्रायल पार्टिसिपेंट को हमें भेजना है कि नहीं। तो एथिक्स कमेटी का वो फंक्शन होता है इवेल्युएट करने का। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि एथिक्स कमेटी एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेते हैं उनके एंगल से सोचती है और उनको क्या क्या इस ट्रायल से फ़ायदा हो सकता है, हमारी सोसाइटी को क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारी कम्युनिटी में इस ट्रायल का क्या इम्पैक्ट होगा, उसके एंगल से एथिक्स कमेटी फोकस करती है। और जो कोई भी एथिकल डायलेमा या एथिकल कंसर्न है, जो नैतिक परेशानी आ सकती है, तो उसके बारे में एथिक्स कमेटी अभ्यास करती है। तो आप कह सकते हैं कि एथिक्स कमेटी जो है वो एथिकली जो कंसर्न होते हैं और साइंटिफिक जो भी चीज़ें होती हैं क्लिनिकल ट्रायल के कंडक्ट में, तो उसका निरंतर अभ्यास करती हैं, रेगुलरली अपडेट्स देती हैं और इंश्योर करती हैं कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ट्रायल पार्टिसिपेंट है, तो वो क्लिनिकल ट्रायल में सेफ रहे। तो इसके कारण एथिक्स कमिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज इस लेक्चर में हमने देखा कि एथिक्स कमिटी के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और इनमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। हमने ये भी जाना कि एथिक्स कमेटी क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें ट्रायल में जैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसा कोई है कि जो हमारे एंगल से सोचता है और हमारी सेफ्टी, राइट्स और वेलबींग का ख्याल रखता है। तो ये है एंड इस लेक्चर का। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या गाइडेंस हो या कोई भी और रिक्वायरमेंट हो इस क्लिनिकल रिसर्च और एथिक्स कमिटी के एंगल से, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आई होप आपको इस लेक्चर में सीखने को मिला और आप एथिक्स कमिटी के बारे में अभी अच्छी तरह से जान गए हैं। सो दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, थैंक यू।